आज मैं फिर निकल पड़ी हूँ एक नई खुराफात करने। तो आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ लैपटॉप के शोरूम पे, क्यों गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो आज मैं फिर निकल पड़ी हूँ एक नई खुराफात करने। खुराफात तो क्या करने, वैसे मेरा काम है, मेरे को दो तीन जगह काम जाना है चंडीगढ़ में, और आज मैं जा रही हूँ एक नई चीज खरीदने। यू विल सी इन द वीडियो कि मैं आज क्या परचेज करने जा रही हूँ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा जिसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो फटाफट से, काफ़ी दिन हो गए उसको मिस करते हुए चीज़ को, और उसकी वजह से बहुत मेरे को दिक्कतें आ रही हैं दिक्कतें। तो मैंने कहा चलो भाई निकलते हैं और फटाफट से ले आते हैं जाके, उसने क्या है ना। तो मैं बस निकल गई हूँ और अब चलते हैं फटाफट से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेने जा रही हूँ। आज मैं निकली हूँ अकेले इस खोजबीन करने, गुगू इज नॉट विद मी, क्योंकि फिर गुगू मतलब जब काम करने होते हैं ना तो परेशान हो जाती है वो ना, तो इसलिए मैंने कहा आज उसको लेके जाती है, आज मैं अकेले जाती हूँ, सारे काम फटाफट से निपट जाएंगे। तो बस चलते हैं, तो आप थोड़ा सा सफर का आनंद ले लो तब तक। और ये हमारा प्यारा सा 34 सेक्टर, माई फेवरेट खाने पीने में, और मुझे लगता है यहाँ कोई लड़ाई लड़ुई सी हो गई है, यहाँ पुलिस की गाड़ी खड़ी है, पुलिस वाले भी खड़े हैं, जाम पूरा हो रहा है, चलाने में कोई आ नहीं रहा। और हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मुझे परचेज पे जाने से पहले लेनी है गुगु के लिए फ्राइज, पर पहले क्यों लूँ, वो तो ठंडी हो जाएंगी। चलो चलो यहीं पे आएगा वो सेक्टर, मैं सोच रही हूँ मैकडी वगैरह सारे यहीं पे हैं अगले 35 सेक्टर में, तो मैंने कहा बस गुगू की फ्राइज फ्रूज भी उठा लेते हैं, फिर फटाफट से अपनी परचेज करेंगे सामान समून और फिर निकलते हैं गुगू के पास। क्यों तो ये आ गई अपनी 35 सेक्टर की मार्केट की एंट्रेंस, जहां से हमने लेनी है मैडम गुगू के लिए फ्राइज। तो फटाफट लाइन में लगो, पर्ची कटेगी मार्किंग की, देन हम एंटर कर सकते हैं अंदर। मैं ना अकेले बोर ही हो जाती हूँ वैसे, या तो मेरे को गुगू चाहिए साथ में या मेरे को मुकेश चाहिए साथ में, मैं बोर हो जाती हूँ अकेले ना, मज़ा नहीं आता घूमने का, घर से निकलने का मन ही नहीं करता। जब कोई काम होता है ना अर्जेंट, उसके बाद भी मैं ना दो तीन काम इकट्ठे निकालती हूँ कि दो तीन काम इकट्ठे निकालो और फिर जाओ। दो मिनट में पर्ची कटवा लूँ। तो भाई मैं पहुँच गई 35, मेरे को बड़ी मुश्किल से मिली पार्किंग भी, यहाँ पर पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली, और मेरे को वो भी बहुत पीछे खड़ी करनी पड़ी गाड़ी, मेरा समझ नहीं आ रहा। वैसे यहाँ KFC भी पास में है, KFC से फ्राइज लूँ या मैकडी पे जाऊँ, मैकडी बहुत ज़्यादा दूर है। चलो KFC का ही चलते हैं आज, क्यों जाना इतनी दूर। Okay, let's go to KFC। पर वो है यार दिक्कत, ये लोग नॉन वेज भी बनाते हैं, नॉन वेज का नहीं, ये हमारा टिम हॉटिंग। But I'm not going into this place. तो मैं तो वहीं जाती हूँ, मैकडी से लेती हूँ आज फ्राइज, हर बार वैसे बर्गर किंग से लेते हैं, आज ट्राई करते हैं मैकडी से लेने की, कैसा बनता है मैकडी का स्वाद। और क्योंकि KFC में ना वो नॉन वेज भी साथ साथ ही बनाते हैं, तो मैं थोड़ा सा वहम करती हूँ इन चीज़ों का, तो इसलिए मेरे को मैकडी जाना पड़ेगा। और पूरा दूर है जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल स्टार्टिंग में है, और मैकडी जो है वो ऑलमोस्ट एंड के पास आके है, बट इट्स ओके। चलो फिर चलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है मशीनें, मशीनों पे ऑर्डर करना है डायरेक्टली ना, तो फटाफट से ऑर्डर करते हैं, लेट्स गो फॉर टेक अवे एंड देन वी विल चूज साइड्स, साइड्स में हम जाएंगे फ्राइज एंड देन लार्ज साइज, यस ऑफ कोर्स लार्ज साइज। सो ये हमारा ऐड हो गया ऑर्डर, इसके अलावा हमें आज कुछ और नहीं चाहिए,
एंड ये देखो ये सारा एम्बियंस कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का। तो मैंने ले लिया गुगु का बर्गर कोल्ड ड्रिंक और बस अब आई एम गोइंग बैक अपना फटाफट से। मेरे को पता नहीं, हाँ मेरे को काम तो था बट मेरे को कॉल आया नहीं, मेरे को किसी ने कॉल कर और मैंने फटाफट गाड़ी ढूंढ ली अपनी, मिल गई मेरे को गाड़ी। अब फटाफट से चलते हैं, गुगु का सामान मैंने यहाँ रख दिया और फिर चलते हैं फटाफट से। लेट्स गो, मैंने क्या लेना है आप भी देखो। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ लैपटॉप के शोरूम पे, क्योंकि मुझे लेना था अपने लिए एक लैपटॉप। और मैंने वीडियो लेट स्टार्ट करी बट मैंने ऑलरेडी अपना लैपटॉप पसंद करके आई थी तो मैंने परचेज़ कर दिया। वो देखो सामने भैया अनबॉक्सिंग करने लगे हुए हैं उसकी। और ये हमारा बैग आ गया और यहाँ पे भैया रुको, आप तो अनबॉक्सिंग करने लगे, वेट मुझे वीडियो तो कवर करने दो, मेरे लैपटॉप की अनबॉक्सिंग मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, इसका तो मुझे कवर करना ही है। और ये देखो हमारा प्यारा सा सुंदर सा लैपटॉप, तो मैंने लिया है HP को, क्योंकि HP इज़ वन ऑफ बेस्ट ब्रांड। सो मैंने मेरा लैपटॉप दिखता है कुछ ऐसा, वाओ सो नाइस। कर लो भैया अब आप, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बाय। तो भैया ने शुरू कर दिया यहाँ पे फटाफट से सारी चीज़ों को इंस्टॉल करना, क्योंकि मुझे तो है देखो ज़ीरो नॉलेज इस चीज़ की, इसलिए मैंने भैया को बोला कि आप ही कर दो, क्योंकि अगर मुकेश होता तो मुझे उस चीज़ से रिलैक्सेशन रहती, बट क्योंकि मेरे नाजुक से कंधों पे ये बोझ था तो मैंने कहा भैया प्लीज़ आप ही करो ये सारा कुछ इंस्टॉल, ताकि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वट एवर जो भी चलाना हो वो सारा अच्छे से चल जाए और मेरे को कोई इशू नहीं आए। और साथ के साथ मैंने भैया को बोल दिया कि एंटीवायरस भी डाल ही दो। वैसे तो मेरे को लगता नहीं कि वायरस आएगा, क्योंकि मैं पेन ड्राइव वगैरह इतनी यूज़ नहीं करती, वो बहुत पहले हम यूज़ करते थे, अब तो मुश्किल ही अब नहीं यूज़ करते हम, वो टाइम से छोड़ दिया, तो उसी से ज़्यादा वायरस आता था। बट फिर भी भैया को बोला मैंने, कहा कोई बात नहीं आप कर दो, वन ईयर के लिए है इसमें तो वो इंस्टॉल कर दो। एंड भैया को मैं बोल रही हूँ कि फटाफट से कर दो इसको फिनिश, ताकि मैं चलूँ जल्दी। तो दोस्तों मैंने कर दिया अपनी फाइनल लैपटॉप की पेमेंट, थोड़ी देर के लिए मैं भैया को छोड़ के गई थी और अपना बिल वगैरह मैंने रेडी करा लिया। ये रहा मेरा बिल, लिफाफे के अंदर है तो मैं बाहर निकाल के क्यों दिखाऊं। तो खैर मैं भैया के पास आके दोबारा से खड़ी हो गई कि भैया फटाफट से प्लीज़ ये इंस्टॉलेशन का काम फिनिश करो और मुझे मेरा लैपटॉप पकड़ाओ, दोबारा से इसको अच्छे से पैक करो और मुझे दे दो, ताकि मैं फटाफट से घर जाऊं और सबको सरप्राइज़ दूं अपने लैपटॉप दिखा के। आप लोगों को लग रहा होगा वैसे कि मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रही हूँ, ऑब्वियसली क्योंकि ये मेरा सेकंड लैपटॉप है। अभी हमने फर्स्ट लैपटॉप जो लिया था जब हम कनाडा जा रहे थे तब लिया था, और ये मेरा सेकंड लैपटॉप है, क्योंकि उससे पहले मोस्टली मैं और मुकेश जो थे जो ऑफिस से हमें लैपटॉप मिलते थे हम वही यूज़ करते थे, क्योंकि वो ऑल द टाइम आपके पास होते हैं तो इसलिए कुछ इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं लगती थी। हाँ जी, तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? मैंने ले लिया अपने न्यू लैपटॉप, क्योंकि जो हमने पहले लैपटॉप लिया था वो था मिस्टर मुकेश के पास, और मेरे को यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्योंकि अब मैं जॉब्स वगैरह अप्लाई कर रही हूँ तो भाई CV मॉडिफाई करना है और ईमेल्स वगैरह करनी है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे मैं यूज़ तो कर रही थी भाई का, बट क्योंकि कई बार होता है उसको भी काम होता है और वो नहीं अवेलेबल होता लैपटॉप, तो मुझे चाहिए था अपने लिए। सो आई डिसाइडेड कि क्यों ना फटाफट से ले लो अपने लिए जाके, है ना भाई, जब काम है तो ले लो जाके। तो मैंने ले लिया है और मैं जाके, वैसे तो उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने अनबॉक्स वगैरह तो खुद ही कर दिया था, क्योंकि सारी चीज़ें उन्होंने इंस्टॉल वगैरह करनी होती है, तो मैंने करवा तो लिया था अनबॉक्स। बट क्योंकि मुझे अभी मैडम गुगु को सरप्राइज़ देना है, क्योंकि वो बड़ी खुश हो,
तो उसको जो है गुगू को बहुत ज्यादा पसंद है ऐसे अनबॉक्सिंग करना ना, तो मैं उसको जाके सरप्राइज देने वाली हूँ। सबसे पहले तो उससे अनबॉक्सिंग कराऊंगी। उसके लिए मैंने एक बैलून भी ले लिया ब्लू कलर का, वो देखो आप पीछे बड़ा है फिश का, क्योंकि उसने तो पहले ही डिमांड रख देती है। वो जब भी मैं निकलती हूँ ना घर से बाहर तो उसकी पहले डिमांड्स होती हैं, मेरे लिए फ्राइज लेके आना, मेरे लिए पिज्जा लेके आना, मेरे लिए बलून लेके आना। तो उसकी सारी डिमांड्स तो ऑलरेडी चल ही रही थी, तो मेरे को दिख गया रास्ते में बाय चांस ही बलून वाला, मैंने कहा ले लो भैया फटाफट, क्योंकि गुग्गू का तो खुश करना पड़ेगा, गुग्गू का काहे नहीं खुश करेंगे हम। और मेरे को बड़ी चलो लाइट हो ही गई है, मैं रोक ही लेती हूँ, क्या भगा के निकालने गाड़ी ना। तो बस उसके लिए बैलून ले लिया है, फटाफट से घर चलते हैं और उसको अनबॉक्स कराते हैं गुगू को, एंड देन मैं भी स्टार्ट करती हूँ उसको यूज़ करना। और फिर जब शाम को मुकेश की कॉल आएगी तो फिर हम उसे भी सरप्राइज देंगे, सी आज मैंने क्या लिया आपने लिए। तो चले चलो चलो घर चलते हैं। तो गुगू किस चीज़ की अनबॉक्सिंग करना चाह रहे हो आप? लैपटॉप है, यहाँ पे रख के आराम से खोलो, वो ले लो, हटाओ हाथ, हटाओ मैं कर देती हूँ, ये लग जाएगा ना आपके हाथ। मैं। कैसे करोगे? कैसे? आराम से आराम से। एक मिनट रुको, अब कर, सिर्फ ऐसे ही घुमा दे इसको, देख देख देख, सुन 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 मेरी बात, रुको, ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ले जाओ, बस बस ऐसे पकड़ के, बस कुछ नहीं दबाओ, नहीं बस दबाओ मत, छोड़ दो, नीचे रखो इसको ऐसे। सरप्राइज अभी नहीं खुला, निकालो 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 आराम से। ए वाह सरप्राइज, इसको अच्छे कर लो, वाह इसको साइड करो। अब इसकी यहाँ से टेप निकाल देते हैं, खींच दो खींच दो, पहले लिफाफा खींचो, गुड जॉब, खोलो, ये ऑन करो उधर से, हाँ बटन प्रेस करो, ये रुक जाओ पहले ऑन तो होने दो, मजे आए मजे आए। किसका लैपटॉप है ये? तो वाइट है, किसका है ये? तो आपका है। अच्छा, और ये देखो मुझे बैग भी मिला इसके साथ, न्यू बैग, अभी चलाएंगे, क्या देखना आपने? ये कान से मिला, ये तो लैपटॉप का था, लैपटॉप के साथ मिला, वेट पहले मैं वो चलाऊं, क्या देखोगे आप? पटाखे वाला, हाँ गुगु छोटे गुगु का पटाखे वाला, ये बीच में रोशनी आती है बटनों पे, हाँ मैं थैंक यू। ये किसकी गाड़ी है? ये तो पापा की। हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका पापा, ये देखो, यस, अभी गुगु ने भी सेम टी शर्ट डाल ली थी, अभी छोटा गुगु भी आएगा वहां, टाइगर वो तो पापा के पास छोड़ा है आप, देख रहे थे तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। मैंने और पापा ने करा था, मैंने और पापा ने, सुंदर लग रही है, होली थी ना तो हमने ऐसे बनाई थी वीडियो गाड़ी की, अभी छोटा गुगु भी निकलेगा, सारे देख रहे हैं। ये देखो पापा ने मेरा बना,
कलर्स लगाया, होली थी ना, होली थी इसलिए हमने गुगु के कलर्स लगाया था। हाँ अब गुगु बाहर आएगा, वो देखना गुगु ने भी सेम टी शर्ट, मम्मा ने भी सेम टी शर्ट। ओ गुगु ने तो चमचा भी लगाया। अभी आज जब मम्मा गई थी बाजार तब मम्मा लैपटॉप लेके आई थी, इसलिए तो गई थी मम्मा। क्या बाजार? जाम चंडीगढ़ जाते हैं। चंडीगढ़ कहाँ है? चंडीगढ़ है थोड़ी सी दूर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शॉप्स है। क्यों? क्योंकि हमें लैपटॉप लेना था। नहीं। यस, गूगल वीडियो देखेगी उसमें। इसका खोल लो। तो हम करते हैं लैपटॉप को चलाते हैं, गूगू को वीडियो दिखाते हैं, तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। तो आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय।